सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए वही 10 प्रश्न लेकर सन 2017 का क्वेश्चन पेपर आर ओ ए आर परीक्षा का। थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 19 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो उसे क्या कहेंगे? ए नहोड़ा, बी प्रतिस्वत पतिका, प्रोषित पतिका, आगत पतिका। नहोड़ा, प्रतिस्वत पतिका, प्रोषित पतिका, आगत पतिका। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका मतलब जिसका पति परदेश चला गया हो, सही ऑप्शन है सी। प्रश्न नंबर 20 है, शुष्क का विलोम है, ए उष्ण, बी आर्द्र, सी शीत, डी शुष्क। ए उष्ण, बी आर्द्र, सी शीत, डी शुष्क। तो शुष्क, शुष्क का विलोम होगा आर्द्र, सही ऑप्शन है बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे, स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं है, स्थूल का उल्टा नहीं है, अपोजिट नहीं है, या कह सकते हैं विपरीत नहीं है। ए सूक्ष्म, बी तन्वी, सी दुर्बल, डी शाश्वत। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्थूल का विलोम नहीं है? तो यहां से ही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दुर्बल, ऑप्शन सी दुर्बल। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर, 22 पर सॉरी। पृथक का सही विलोम है, ए एकत्र, बी संयुक्त, सी थकित, डी सुघटित। पृथक यानी कि अलग अलग, तो उसका सही विलोम या सही अपोजिट या सही उल्टा या फिर विपरीत क्या होगा? एकत्र, संयुक्त, थकित, सुघटित। तो पृथक का सही विलोम का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संयुक्त। संयुक्त यानी कि ज्वाइंट, पृथक मतलब का अलग। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं, उपयोग का विलोम सदुपयोग, ए ऑप्शन है सदुपयोग, बी निरुपयोग, सी दुरुपयोग। तो उपयोग का विलोम होगा सी ऑप्शन दुरुपयोग। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी पर हमने जीत प्राप्त करनी है तो उसके लिए उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए विजित, बी विजेता, सी जिगीशु, डी जिज्ञासु। विजित, विजेता, जिगीशु, जिज्ञासु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जिगीशु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सी ऑप्शन जिगीशु। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए दुराग्रह, बी अनाग्रही, सी दुराग्रही, डी कुआग्रही। दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही और कुआग्रही। तो अनुचित बात के लिए जो आग्रह करे तो उसको हम क्या कहते हैं? उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है ऑप्शन ए दुराग्रह, दुराग्रह। चलते हैं प्रश्न नंबर 26, जिससे पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द। अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। यानी कि जिससे पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द। ए ऑप्शन है अप्रत्याशित, बी आशातीत, सी आशाजनक, डी प्रत्याशित। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो सही ऑप्शन हुआ ए अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। प्रश्न नंबर 27, विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। ए दक्षिण, वाम, बी उद्यम निरुद्यम, सी विधि निषेध, डी बर्बर सभ्य। दक्षिण वाम, उद्यम निरुद्यम, विधि निषेध, बर्बर सभ्य। तो यह है विलोम शब्द का इसमें से गलत युग्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उद्यम निरुद्यम, उद्यम निरुद्यम इसका सही जवाब है। चलते हैं अब प्रश्न नंबर 28 की तरफ, विशेष्य वह शब्द होता है, विशेष्य वह शब्द होता है। ए जिसकी विशेषता बताई जाती है, बी जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, सी जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है।
तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो बच्चों यह था आज की वीडियो में 19 से लेकर 28 तक जो है आपके ये ऑब्जेक्टिव कह लो या पूरक प्रश्न कह लो, ये टोटल होते हैं 60 क्वेश्चंस होते हैं और एक एक नंबर के लिए क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से 2-3 दिन के अंदर आपके 60 प्रश्न मैं पूरे करवा दूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप में से कोई मेरे YouTube चैनल को पहली बार देख रहा हो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।